आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। रेल मंत्री और रेल मंत्रालय के आश्वासनों के बावजूद ठेका श्रमिकों को नहीं मिल रहा है वेतन। अलग अलग स्टेशन और हाल्ट पर टिकट बुकिंग एजेंट का काम करने वाले लोगों ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से लगाई गुहार। देश भर में लागू लॉकडाउन घोषित हुए लगभग 60 दिन का समय हो गया है। इस लॉकडाउन की वजह से समाज का हर वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब रेलवे में ठेका में काम करने वाले लोग पिछले 2 महीने से नहीं मिल रहे वेतन की वजह से खासे परेशान हैं। आसनसोल रेल मंडल के काली पहाड़ी समेत दर्जनों ऐसे स्टेशन हैं जहां रेलवे द्वारा ठेके पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट रखा है जो कमीशन बेसिस पर टिकट काटते हैं, लेकिन लॉकडाउन घोषित होने के बाद पिछले 2 महीनों से उन्हें रेलवे द्वारा कोई वेतन नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये खासे परेशान है। इसे लेकर इन लोगों ने शनिवार को आसनसोल रेल मंडल के काली पहाड़ी रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे में क्या काम करते थे और अभी आप लोग की हालत कैसी है? हम लोग आसनसोल स्टेशन में जितना भी ई कैटेगरी एवं हॉल स्टेशन जितना है, ई कैटेगरी जो स्टेशन है वो सबको स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट हम लोग को कॉन्टेक्ट दिया गया हुआ है। 3 साल के लिए कॉन्टेक्ट दिया गया हुआ है, ठीक है। तो 3 साल को कॉन्टेक्ट दिया हुआ है तो हम लोग को जो कमीशन होता है तो परसेंटेज देता है कमीशन का, वही कमीशन के हम लोग स्टेशन में जो टिकट बुकिंग काउंटर है उस काउंटर में हम लोग काम करते हैं। कितने कमीशन? 24 आवर हम लोग रहते हैं काउंटर में। काउंटर का जो जितना परिसरा है हम लोग देते हैं, लेकिन रेलवे जो हम लोग DCM के साथ भी बात किए हैं, वो लोग को एक ही बात कहना है कि तुम लोग काम करेगा तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। हम एक ही बात बोले थे कि हम लोग तो काम करेंगे नहीं, ये तो हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हम लोग तो बोल रहे हैं काम करेंगे। आप लोग किस पद पे कार्यरत थे और ठेके में थे, क्या थे, अभी आप लोग क्या परेशानी हो रही है? हम लोग रेलवे में STBA मतलब स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट का काम करते हैं। जो हम लोग इस आसनसोल डिवीजन में हम लोग काम करते हैं और हम तो जानकि अंडाल संख्या जो ब्रांच है, ब्रांच लाइन में हम काम करते हैं। हमारा स्टेशन का नाम है भीमगोरा स्टेशन। तो जब से COVID-19 शुरू हुआ है, मतलब 22 मार्च से हम लोगों का काम पूरा स्थगित है, मतलब बंद है। और हम लोगों का अभी मार्च महीने का जो 1 से 21 तारीख से जो काम हुआ है उसका ही खाली पैसा मिला, लेकिन उसके बिना कोई भी हम लोगों को नहीं पूछा कि तुम्हारा संसार कैसे चल रहा है या तुम लोग कैसे क्या खा रहे हैं, कोई भी नहीं पूछा है। तो अभी आप लोग रेलवे की ओर से क्या अभी कोई किसी तरह की सहायता या किसी तरह का आश्वासन कुछ मिला है? नहीं। आप लोग रेलवे में किस तौर पे कार्यरत थे और अभी आप लोगों की स्थिति क्या है? हम लोग रेलवे में STBA एक पोस्ट है, स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट, और एक हॉल्ट एजेंट दो होते हैं, उसी के तौर पर कार्यरत प्राइवेट से। अच्छा, ठेकेदार जो कर। अभी आप लोगों की स्थिति क्या है, कब से पेमेंट नहीं मिला, क्या परेशानी हो रहा है? ऐसे तो हम लोग रेलवे में काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो ये COVID-19 जो शुरू हुआ 22 मार्च 2020 से, उस वक्त से हमारा पेमेंट रोक दिया गया कंटिन्यू। आज करीबन 2 महीना पार कर चुका है और अभी तक हम लोग को कोई भी सहायता राशि नहीं प्रदान की गई है। रेलवे में किस तरह से कार्यरत हैं और क्या आप लोगों की जॉब था? रेलवे में हम लोग STBA एजेंट के रूप में काम करते हैं। जो रेलवे टेंडर निकालते हैं उस टेंडर को हम लोग खुद से लिए हैं और करीब हम लोग 4-5 साल से काम कर रहे हैं रेलवे में। और इस 22 मार्च से जब से आपका लॉकडाउन हुआ है COVID-19 का, तो हम लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं मिला है। उसके पहले जो हम लोग 21 मार्च तक काम किए थे उसका भी पैसा हम लोग को 1.5 महीने बाद दिया गया। जो हम लोग का कमीशन निकलता था उस पर ही हम लोग को वही वेतन मिला, और टिकट सेलिंग के ऊपर हम लोगों को कमीशन मिलता है। और अभी ट्रेन चल ही नहीं रही, इसलिए उनका कहना है कि जब ट्रेन चलेगी तभी आप लोगों को पेमेंट मिलेगा।